कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम घूमने जाएंगे बेहद ही खूबसूरत नेचर पार्क, जो सौरभ कालिया जी की याद में बना है। पार्क ओपन होने का टाइम है विंटर में 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, और गर्मियों में 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो हम थोड़ा लेट हो गए थे, हमारे पास सिर्फ 1 आवर्स था घूमने के लिए। यहाँ पर आपको एंट्री फ़ी देनी होगी, एडल्ट के लिए 20 रुपीज़ और बच्चों के लिए 10 रुपीज़। बहुत ही कम एंट्री चार्ज है। सौरभ कालिया जी पहले वीर सैनिक थे जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। शहादत को ना तो पालमपुर भुला पाया है और ना कभी यह देश भुला पाएगा। यहाँ पर आप चिल्ड्रन पार्क, एक्वेरियम, मॉल, कैफेटेरिया और थिएटर का भी आनंद ले सकते हैं। यह है मनोरंजन के लिए एक आदर्श स्थान है, जो पालमपुर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप नेचर लवर हैं तो यहाँ पर कितने भी घंटे बिता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पक्षियों की मीठी मधुर वाणी, साथ ही में बहती हुई नदी से जल की आती हुई आवाज़ और खूबसूरती, वो तो आप देख ही रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं यहाँ कैसे पहुँचे। सौरभ वन विहार की दूरी पालमपुर से 3 से 4 किलोमीटर की है। आप कैब से आ सकते हैं, ऑटो लेके आ सकते हैं और अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, जिसमें आपको कैब का चार्ज होगा 250 से 300 रुपये। ऑटो में भी सेम सा चार्ज होगा। सौरभ काले जी की याद में यहाँ पर बेहद ही खूबसूरत स्टैचू बना हुआ है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप यहाँ पर जिप लाइन सर्विस का आनंद ले सकते हैं। पार्क के बाहर का नज़ारा इतना खूबसूरत था, हम घंटों यहाँ पर बैठे रहे और यहाँ की खूबसूरत वादियों की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। देखो, आपने फुकरे लोग देखे हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं होता दीन दुनिया से, और नदी के किनारे हंसी वादियों के नज़ारे ले रहे होते हैं, जिन्हें कोई परवाह नहीं होती घर जाने की, भालू का भी डर नहीं होता इन लोगों को, जंगलों के बीच में बैठे रहते हैं सारी रात, पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। और ये देखो कुछ वेले लोग जिन्हें कोई मतलब नहीं है। और ये छोटा बच्चा क्यों देखो इसको, नौनू बेटा। और ये देखो इस सरगुन को, उपसी को, ये देखो इनको सेल्फियां लेनी है रात को। नदी में नहा रहा है।
सब लोग घर चले गए हैं। सो गया आसमां, सो गया ये जहां, और ये लोग, ये वेले लोग, ये नदी किनारे। यहाँ पर आपको खाने के ऑप्शन में सिर्फ फास्ट फूड, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक ये ही मिलेंगे। एक बात और जिसकी वजह से हम लोगों का पॉप आउट हो गया था, बिकॉज यहाँ पर 6 बजे के बाद आपको ट्रांसपोर्ट का कोई भी ऑप्शन उपलब्ध नहीं होगा। अगर आप जाते हैं कैब या ऑटो से तो दोनों तरफ का ऑप्शन लेकर चलें, बिकॉज वहाँ 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है और कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। देखिए खतरनाक रास्ता, आपको पैदल ही आना होगा फिर पालमपुर तक, हिमाचल प्रदेश के, जैसे हम लोग आए थे रात को अंधेरे में। हम रात को चले अंधेरे में, कोई टैक्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।